पेट में कीड़े हों, इन्फेक्शन हो, बहुत गैस बनती हो, तो यह तब भी यह बहुत बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ और लगभग 2-3 ग्राम मिर्च का टुकड़ा आप पानी में डालिए, 2 किलो पानी में आप पकाइए और 1/4 किलो रह जाए छान के रख लीजिए। सुबह शाम इस पानी को पिए आप देखेंगे पेट के लिए, पेट के गैस के लिए, वायु के लिए वास्तव में ये बहुत कमाल की औषधि है, बहुत कमाल की है। आप प्रयोग करके देखिए, आपकी पेट की समस्या निश्चित रूप से दूर होगी और घरे बैठे हुए आप इस पौधे को निश्चित रूप से संकल्प करिए, हर घर में तुलसी के साथ हम वचा को भी घर में लगाएंगे। तो यह एक दिव्य पौधा है। और दूसरी चीज़ जो बच्चों को कृमि है, तो आप इसमें से लगभग 1/2 ग्राम बच को पीस करके थोड़ा सा हींग मिला करके छोटी छोटी काले चने की जितने बड़ी गोलियां बना करके प्रातः सायं बच्चों को दे सकते हैं। इससे पेट के कीड़े भी निश्चित रूप से खत्म हो जाते हैं। और जिनको बहुत पाइल्स की परेशानी है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है या मस्त फूले हुए हैं, वच के पाउडर को थोड़ा अजवाइन मिला करके यदि आप प्रातः सायं सेवन करते हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और बहुत जल्दी आप उस बीमारी से ठीक हो सकते हैं और आपका पेट भी इससे ठीक होगा। और जिसको बुखार है तो ये एक कमाल की दवाई है जुकाम और बुखार के लिए। यदि जुकाम है बहुत ज़्यादा तो इसको पीस करके थोड़े से नाक के ऊपर इस भाग में आप लगा दीजिए, फिर आप देखेंगे जुकाम में कितना जल्दी फर्क पड़ता है। छोटे से टुकड़े को उबाल करके थोड़ा सा अदरक मिला करके 1/2 लौंग मिला करके आप पिए तो आपका जो बुखार है, जो सर्दी है, जो जुकाम है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बहुत ही यह दिव्य पौधा है,